गली गली में, सड़कों पर अनेक छोटे बड़े पत्थर दिखाई पड़ते हैं आपको, और ये पत्थर को जब कोई कारीगर तराश कर कोई मूर्ति बना देता है तो वही पत्थर भगवान बन जाता है। ऐसे ही ये पाइराइट का जो पत्थर है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब इसकी सही तरीके से हम और हमारे विद्वान पंडित पूजा करेंगे, धनतेरस वाले दिन, दीपावली वाले दिन, और उसके बाद पूजा करके इसको हम आपके घर पहुंचाएंगे दीपावली के बाद, तो ये पत्थर प्रसाद बन चुका होगा, क्योंकि इसमें मंत्रों की शक्ति होगी और ईश्वर का आशीर्वाद होगा, और सही मुहूर्त पर सही मंत्रों से ये अभिमंत्रित होकर और ज्यादा बलशाली बन जाएगा। तो मैं आप सभी मित्रों से यही कहूंगा कि आप सभी लोग इस पाइराइट पत्थर को खरीदें, क्योंकि ये आपके घर में धन दौलत लेकर आएगा। अभी खरीदें, वीडियो को देखते ही देखते खरीदें। इस पत्थर के अंदर पैसे को खींचने की ताकत है, ये पत्थर पैसे को खींचता है, मां लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और पैसा अगर आपकी तरफ आ गया तो फिर आप अमीर और धनवान बन जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आप इस पत्थर को अभी खरीदें, दीपावली की रात्रि जब इसका पूजन होगा फिर ये अमृत वर्षा करेगा आपके जीवन में। जब हम इसको आपको भेजेंगे दीपावली के बाद कुरियर के द्वारा, आप इसको गले में पहने, अपनी तिजोरी में रखे, अंगूठी में पहने, फिर आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मां लक्ष्मी की कृपा पाने का। L6 लिखकर 2100 रुपए इसकी दक्षिणा राशि है, पेमेंट कर दीजिए, और दीपावली के पूजन के बाद ये आपके घर कोरियर से भेजा जाएगा। विधि विधान से हर तरीके से कैसे पहनना है, कब पहनना है, सभी जानकारियों के साथ। तो चलिए करते हैं ऑर्डर। मैं तो ऑर्डर करके पहन चुका, मेरा परिवार पहन चुका, मेरे सारे स्टाफ के लोग पहन चुके, और कम से कम हजारों लोग और पहन चुके जिन्होंने ऑर्डर कर चुके हैं। अब बारी आपकी है। ये है नंबर, फोन करिए और पेमेंट करिए और अपना एक किस्मत वाला पत्थर बुक करा लीजिए। 11 नवंबर 2023 सूर्योदय होगा, 6:41 पर सूर्यास्त होगा, 5:31 पर। तिथि है कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, नक्षत्र चित्रा, वार शनिवार, योग प्रीति अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से 12:27 PM तक, राहु काल है 9:23 AM से 10:44 PM तक। आज चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में होंगे। ये जानकारी जो मैंने आपको पंचांग की दी, आपके शहर और देश के अनुसार, मोहल्ले के अनुसार कुछ वक्त ऊपर नीचे हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मेष राशि, आज आपके जीवन में प्यार और सहयोग की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से आपको सहयोग भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, रोमांटिक मूड में भी होंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए अनुकूल है, व्यापारियों को नया साझेदार मिलेगा, ये समय जमा पूंजी बढ़ाने के लिए, परंतु सट्टेबाजी शेयर में निवेश करना शुभ नहीं है। रोजाना नियमित रूप से अपनी दवाई खाइए, व्यायाम करिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। बुजुर्ग महिलाओं को कहिए बहुत ज्यादा ठंड में नाकों में कंबल वगैरह स्वेटर वगैरह पहन कर रहे। वृषभ राशि, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य संपूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में प्रसन्नता और उत्साह बनी रहेगी, किसी पारिवारिक सामाजिक उत्सव में भाग लेंगे, तो व्यापारी लोग आपके व्यवहार से उन्नति के उद्देश्य से किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। खिलाड़ी लोग खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, पढ़ाई लिखाई में टाइम पास करेंगे। मिथुन राशि, आज के दिन शिक्षा में सफलता पाने का है। नौकरी करने वाले लोग अपने कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे, आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह क्यों आया इसका कारण भी आपको पता चलेगा कि आज का दिन कितना शुभ है, कि आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह के कारण आपको मिलेंगे, जिससे आप हंसेंगे, खेलेंगे, खिलखिलाएंगे, पारिवारिक उत्साह होगा, परिवार उसके साथ वक्त बिताएंगे, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, कोई अच्छी मिठाई खाने को मिलेगी, खिलाड़ियों का खेल अच्छा, आपका समय अच्छा, मान सम्मान भगवान की कृपा से मिथुन राशि वालों को मिलेगा। कर्क राशि वाले, आज के दिन तमाम समस्याओं से मुक्ति पा लें, आज के दिन परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे, नया वाहन तैयारी खरीदने के लिए माता पिता से आपको धन भी प्राप्त होगा, माता पिता आपको दीपावली में कोई मोटर वाहन दिला सकते हैं, आपके संबंध आपकी माता जी से शुभ रहेंगे, आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी और आज का दिन उत्तम है। सिंह राशि, थकान और आलस के शिकार होंगे, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके द्वारा लिया गया हर एक कठिन निर्णय आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा, जीवन साथी से रिश्ते मधुर बने रहेंगे, संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, आज आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे असाधारण कार्यों में हाथ डालेंगे जो
छोटी छोटी यात्राओं के रूप में होगा, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिएगा, वाहन समय पर चलाइएगा। तुला राशि, आज सप्ताह का एक अच्छा दिन है, निश्चित रूप से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारियों को निश्चित रूप से अधिक लाभ होंगे, या समय सट्टेबाजी शेयर मार्केट में शुभ रहेगा, वैसे तो मार्केट बंद है लेकिन आप कुछ अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं, कुल मिलाकर आपके दिन प्रसन्नतादायक रहेगा, सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ले आगे बढ़े। वृश्चिक राशि, आपका व्यय आपकी आय से अधिक होगा, व्यर्थ से धन खर्च से बचे, आर्थिक संकट का सामना हो सकता है, छोटे भाई बहन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जीवन साथी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, घर का वातावरण प्रभावित रहेगा, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसों के लेन देन को सावधानी पूर्वक करें। धनु राशि, आय और व्यय सामान्य रहेगा, आज का दिन आपकी आय और व्यापार के लिए सामान्य है, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, लंबी यात्राएं रद्द होंगी, विद्यार्थी हैं तो सोच समझ कर पढ़ाई करें, आज आपको अपने सीनियर या अपने सहपाठियों की मदद लेनी पड़ सकती है किसी विषय या किसी प्रश्न के उत्तर को समझने में। घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, घाटा हो सकता है। मकर राशि, आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का साथ मिलेगा जो आपकी कार्य स्थिति को सुधार सकते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें, अपने अध्ययन कार्य में एकाग्रचित रहें, आपके जीवन साथी के नाम पर संपत्ति मिलेगी, जीवन साथी की तरक्की होगी, आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे, अच्छा दिन बिताएंगे। कुंभ राशि, आपके लिए दिन शुभ है, उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन साथी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, सावधान रहें, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे, बात बात करेंगे तो कड़वाहट रिश्तों में आ जाएगी, संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, अच्छा दिन है, मान सम्मान पदक मिलेगा, ईश्वर की कृपा बनी हुई है, मानसिक परेशानियां खत्म होंगी। मीन राशि, बात करते समय, वाहन चलाते समय, कुछ भी चलाते समय, चाहे जुबान चलाएं या वाहन चलाएं, सतर्क रहें, धन का निवेश शुभ नहीं है, जीवन साथी से तालमेल बिठाए रखें, कोई अनावश्यक तनाव रहेगा, वाद विवाद से बचे, किसी अशुभ समाचार के मिलने से निराशा हो सकती है, प्रेम संबंध में आज का दिन सामान्य है। आज काली चौदस का दिन है, हनुमान पूजा भी है, शनिवार का भी दिन है, काली चौदस के दिन प्रेत आत्माएं, अतृप्त आत्माएं सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाती हैं और सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। दीपावली से एक दिन पहले हनुमान जी की पूजा करने से भगवान श्री राम की यानी नारायण की कृपा बरसती है, राम दरबार की कृपा बरसती है और राम दरबार की कृपा बरसने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। 11:40 PM से लेकर 12:32 PM तक रात्रि के ये 11 नवंबर 2023 को हनुमान पूजन का वक्त रहेगा, आप इस समय में हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ सकते हैं या कुछ पाठ कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को 12 तारीख को जो दीपावली है उसकी शुभकामनाएं, हनुमान जी की उपासना आज करिएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही साथ आप सभी लोगों से आग्रह है कि आज इस पायराइट पत्थर को खरीदना आपके लिए इतना शुभ है क्योंकि कल जब ये माँ लक्ष्मी के समक्ष हम इसकी जब पूजा करेंगे, हमारे योग्य ब्राह्मण जब इसकी पूजा करेंगे वेद से, वेद के जो मंत्र हैं सच्चे मंत्र हैं उनके द्वारा, तो ये पत्थर भगवान बन जाएगा, भगवान बनने का मतलब है शुभ रिजल्ट देने लगेगा। तो आप भी अगर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो एक मौका है क्योंकि दीपावली फिर इसके बाद एक साल के बाद आएगी। L6 लिखें, ऑर्डर करें, पेमेंट करें और दीपावली के बाद हम इसको चांदी में मढ़वा कर आपके घर बताए गए एड्रेस पर भेज देंगे। और जिन भी लोगों ने पहले ऑर्डर किया हुआ है, अगर उनका पत्थर उन तक नहीं पहुंचा है तो कोरियर में फंस जाते हैं, दीपावली का पर्व है, सभी लोगों को त्यौहार मनाना है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका जो कोरियर है वो रास्ते में है, जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी वैसे ही आप तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। रविवार के दिन हमारा ऑफिस बंद रहेगा और सोमवार को भी आधे दिन ऑफिस खुलेगा, तो कृपया, और भैया दूज वाले दिन भी ऑफिस बंद रहेगा, तो कृपया करके अगर आपका फोन पे कोई आपको जवाब नहीं देता है तो ये ना समझिएगा कि हम आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक जो अवकाश है, छुट्टी है, तो इसलिए से, लेकिन उसके बाद फिर हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, जिसका भी जो ऑर्डर है वो सुरक्षित है और आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। नमस्कार।